आप सबको फिर से हैप्पी साबत। मैं परमेश्वर का और पास्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मौका के लिए और इस शब्द दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके भवन में आकर उसकी स्तुति महिमा और धन्यवाद करने सकते हैं। और जैसा कि हमने शब्द लेसन में सीख रहे थे कि हम किसकी उपासना करते हैं। हम दुनिया भले किसी और की उपासना करें, जैसे यहोशू ने कहा कि मैं परमेश्वर की उपासना करूंगा, इसी विचार और उद्देश्य के साथ, उसी मन के साथ, उसी आत्मा के साथ अगुवाई में होकर हम परमेश्वर की उपासना के लिए उसके भवन में आए हैं कि हम बहुत आयत की आशीष पाएं। आइए मैं अपने संदेश को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने सिरों को झुकाएँ और परमेश्वर से दुआ करें। स्वर्ग महान पिता परमेश्वर, सारे सृष्टि के बनाने हारे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी कि तूने हमें यह जीवन दिया है कि तेरे भवन में आकर हम तेरी उपासना करने सकते हैं उस आज्ञा के तहत जो तू हमारे जीवन में दिया है, आशीष दिया है, पवित्र किया है। उस आज्ञा के साथ हम तेरी इच्छा और मर्जी के अनुसार हम तेरी प्रशंसा करें, तेरी महिमा करें और तुझमें बने रहकर अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। पवित्रात्मा के द्वारा हम सबकी सहायता कर, मदद कर। मैं जो कुछ बोलूं वो सब तेरे द्वारा हो प्रभु जी। हर ऐसी बातें, ऐसे विचार जो तुझे ना पसंद है हमारे जीवन से परे रहे, पर हर वचन तेरे द्वारा हो और हमारे जीवन के आत्मिक उन्नति के कारण बने। हमारे मन, हृदय, ज्ञान और समझ को तू खोल दे, अपने कंट्रोल में रख और इस सभा को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तेरी निगरानी, तेरी सुरक्षा कवच में हमें बांधे रख कि तुझ में आकर तेरी महिमा कर सके, स्तुति कर सके और आशीष पाए। मांगे हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। जैसा कि हम सबत लेशन में सीख रहे थे कि यह समय जो जिसमें हम से गुजर रहे हैं, ये कठिन समय आने वाला है जिसमें धोखे ही धोखे हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमारे साथ है और परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है और सचेत करता है कि हम सोते ना रहें पर जागते रहें। मेरा विषय जो है वो धोखे से सावधान। लोगों का कहना है, हर कोई ये विश्वास करता है कि जब प्रभु आएगा तो हम सब उठा लिए जाएंगे। लोगों और चर्च ये सिखाती है कि जो मसीह में है, जब अंत समय आ जाएगा, संकट और तकलीफ और विपत्ति और कई तरह के समस्याएं जीवन में पैदा होगी, लेकिन और चर्च से वो सिखाते हैं। एक भाई के साथ हमारा डिस्कस हो रहा था तो वो कहता है कि जितने विश्वासी लोग हैं उनको परमेश्वर उठा लेगा एक एक करके, उसके बाद विपत्ति आएगी, उसको कहते हैं रैप्चर। रैप्चर का साधारण अर्थ होता है किसी ऐसी शक्ति, अदृश्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, जो परमेश्वर की शक्ति, उसके द्वारा उठा लिया जाएगा। निश्चय हम लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन किस तरह? हम खोलेंगे परमेश्वर के वचन से पहला थिसलोनी किताब
उसका चौथा अध्याय उसका 17 लिखा है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, मैं 16 से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हम इस बात को ध्यान करें, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तूर ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरा और एक वचन पढ़ेंगे, वो खोलेंगे, दूसरा पत्रस 3:10, 3:10 है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो लोग जो रैप्चर है उसको किस तरह से देखते हैं, यहाँ वचन साफ कहती है, हम जो जीवित बचे रहेंगे जब प्रभु आएगा तूरी फूकी जाएगी, और हम जो जीवित रहेंगे उनके साथ बादल में उठाए लिए जाएंगे, इससे पहले कि जो मरे हुए हैं वो जीवित किए जाएंगे और परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे, उसके बाद हम जो बचे रहेंगे बदल जाएंगे और परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। लेकिन लोग उसको किस तरह से कहते हैं, जब यीशु आएगा जीवित धर्मी लोग जगत से ऊपर उठा लिए जाएंगे ताकि वे हवा में प्रभु से मिलें, तो वो विपत्ति आने से पहले उठा लिए जाएंगे, जिसे मसीहों के ऊपर विश्वासियों के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और विश्वासियों को भी अच्छा लगता है कि हमारे ऊपर, हम जो विश्वास करने वाले हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके आज्ञा अनुसार मानते हैं, तो जब हम उठा लिए जाएंगे हमारी विपत्ति नहीं आएगी, तो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए लोग इस बात को लोगों तक, उसी बात को उन्होंने विश्वास कर लिया है, मान लिया है, और लोगों तक भी उनको इसी तरह से बताया करते हैं, प्रचार करते हैं, सुनाया करते हैं, वो इस बात को देखते हैं। लूका की किताब हम खोलेंगे, उसका 17 अध्याय उसका 34 और 36, लूका की किताब 17 अध्याय यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ उस रात दो मनुष्य खाट पर होंगे, सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 35 में लिखता है कि दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती रहेंगी, पीसती होंगी, एक ले लिया जाएगा और दूसरी छोड़ दी जाएगी। फिर 36 में लिखता है, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। इसी वचन को लेके, इसी पदस्थल को लेके लोग उसको इस तरह से मान लिए हैं कि जब मसीह आएगा तो जो धर्मी होगा, दो जन स्वागत सो रहे हैं तो एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
ये खाट का मतलब है सोना, दो जन सो रहा है, लेकिन यूहन्ना की किताब 11 अध्याय उसका 11 में हम पाते हैं, लाजर जब मर गया था तो उसके बहनों ने यीशु को खबर भेजा कि हमारा भाई मर गया है। यीशु जान के थोड़ा लेट करके आया, और तब वहाँ अपने चेलों के साथ बोला चलो, और कहा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। तो खाट में नींद जो है मर जाने को दर्शाता है, और ये मर जाना जो मसीह में है वो मसीह में मर जाता है, वो मसीह में सो जाता है। बाइबल में कई जगह मेंशन किया हुआ है, दर्ज किया हुआ है, बताया गया है कि वो प्रभु में सो गया, वो उसने अपने पैर समेट लिए और उसने प्रभु में सो गया, अपने पितरों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वो क्या हुआ, वो सो गया। तो बाइबल ये शारीरिक रूप से हमारा मर जाना बाइबल के मुताबिक सो जाना उसको दर्शाता है। अंतिम दिनों तक पुनरुत्थान के समय दो तरह के लोग कब्रों में सो रहे होंगे, खोए हुए और बचाए हुए लोग। उसी तरह दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, स्त्री में स्त्री, हम जैसे शब्द देश में पढ़ रहे थे, स्त्री किसको दर्शाया गया है, स्त्री कलीसिया को दर्शाया गया है, स्त्री एक ऐसी औरत, ऐसी जिसको बाइबल में दिया है एक वेश्या, वो औरत, वो झूठी कलीसिया जिसने औरों को भी अपने मदिरा से मतवाला कर रखा है, वो झूठी कलीसिया, और एक शुद्ध स्त्री जो पवित्र कलीसिया। तो दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी। इस धरती पर बहुत सारी कलीसियाएं हैं, हम जैसा हम सीख रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि एक कलीसिया जो है कहती तो है परमेश्वर का वचन प्रचार करती है, लोगों को सिखाती है, अच्छे काम करती है, लेकिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो काम नहीं करती है, और उसी तरह लोगों को भी सिखाती है। और एक ऐसी कलीसिया जो यीशु की आज्ञाओं को मानती है और यीशु पर विश्वास करती है और ऐसे प्रचार करती है और उसमें बनी रहती है, वो है सच्ची कलीसिया। अनाज पीसना यह दिखलाता है कि परमेश्वर के वचन के साथ काम करना। जब ख्रिस्त आएगा उस समय दो तरह की कलीसियाएं होंगी, सच्ची कलीसियाएं और झूठी कलीसियाएं। बाहरी तौर से दोनों एक तरह के काम करते दिखेंगे, परंतु उद्धार तो सिर्फ एक ही कलीसिया से होगी। सच्ची कलीसिया जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखती हैं। उसी तरह से दो जन खेत में होंगे, खेत एक बीज बोने वाला लिखा निकला और उसने बीज डाला। वो खेत किसको दर्शाता है, इस संसार को, इस दुनिया को। जब यीशु का दूसरा आगमन होगा उस समय तक दो तरह के धर्म प्रचारक होंगे जो संसार में काम कर रहे होंगे, बहुत सारे गिरजाघर हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं,
इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हॉस्पिटल हैं, कॉलेजेस हैं, धर्म प्रचारक, झूठे धर्म प्रचारक और सच्चे धर्म प्रचारक। इसलिए उसने कहा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे। यहां पे ध्यान देने वाली बात, जब यीशु मसीह आएगा तो उन्हें परमेश्वर क्या कहेगा। इसलिए उसने कहा, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। एक भविष्यवाणी करने वाला हम क्या समझेंगे, वो तो परमेश्वर का सेवक है, तभी तो भविष्यवाणी कर रहा है। और भविष्यवाणी वो कहता है, करता है, तो उसकी बात पूरी होती हुई नजर आती है। दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, कौन निकाल सकता है दुष्ट आत्माओं को। चंगाई सभा होती है, लोग वहाँ भीड़ की भीड़ पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रभु उस समय कहेगा, लोग उस समय कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आशीष कम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उस समय प्रभु यीशु कहेगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसी चीज़ को दवा करते हैं कि जब वो यीशु मसीह के नाम से वो चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो क्या वो धर्मी जन नहीं है? क्या वो परमेश्वर के लोग नहीं हैं? क्या वो ऐसी वो चर्च सच्ची कलीसिया नहीं है, जहाँ यीशु मसीह का की उपस्थिति ना हो? मैंने तुमसे, तब प्रभु यीशु कहेगा, तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कहता है, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। कितनी भयानक बात है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज की बात है, हमें सावधान रहने की बात है। ये धोखे से, इसलिए मैंने इसका हेडिंग रखा, धोखे से सावधान। लुका की किताब 17 अध्याय उसका 26 और 30 लिखा है, जैसा नूह के दिन में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे। नूह प्रचार करता रहा, 120 साल तक प्रचार करता रहा, प्रचार करता रहा, लोग विश्वास नहीं किए, और नूह जहाज बना के परमेश्वर ने कहा, चढ़ जा जहाज पे, और फिर एक हफ्ते तक उसको मौका दिया गया, और स्वर्गदूत आके जहाज को बंद कर देता है। ये नहीं हुआ नूह को अलग से ले गया परमेश्वर ने, उठा के उनको के अच्छे, ये ऐसे ऊंची जगह में, ऐसे सुरक्षित जगह में, लेकिन नूह को उसी जहाज में वो अंदर चला गया, और परमेश्वर ने उसको दरवाज़ा बंद कर दिया, और जितने शुद्ध और अशुद्ध, जितने परमेश्वर ने ठहराया था उसके अनुसार, उसमें जानवर थे। और फिर बाढ़ आती है, जड़ पड़ा होता है, नीचे से भी फूट निकलता है, और उस बाढ़ में जब जल पड़ा ज़्यादा पानी भर जाता है, तब ऐसे ऐसे जहाज उठ जाता है। उस बाढ़ में से नूह को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा, उस विपत्ति में होकर नूह को बचा के रखा।
जिस दिन लूत सदोम में निकला उस दिन आग और गंधक आग से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनोज के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा होगा। क्लेश में ख्रिस्त के साथ या सोच और शिक्षा के सारे धर्मी या संत लोग सताहट या क्लेश आने के ठीक पहले जगत से रेप्चर या उठा लिए जाने के द्वारा स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे और दुष्ट लोगों को धरती पर छोड़ दिया जाएगा ताकि वे क्लेश में 7 वर्ष कठिनाई में के समय व्यतीत करेंगे। यह अच्छा तो लगता है। यही कारण है कि जिसके चलते लोगों ने यह गुप्त रूप से उठा लिए जाने के सिद्धांत को अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन बाइबल ऐसी नहीं बताती है। मत्ती 24 उसका 21-22 उसमें दिया है, यीशु ने कहा कि भयंकर क्लेश का समय जगत में होगा ठीक यीशु के आगमन के पहले, और वह इतना अधिक होगा जैसा आज तक संसार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना केवल अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परन चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। और कितने साल हो गया, जैसे हम सबक लेसन में सीख रहे थे कि 2500 साल पौलुस के ने वो बात कही थी और अब तक हम उसको सुन रहे हैं कि वो जल्द आने वाला है। जागते रहो, सचेत रहो। हमें जागते रहने या उस सचेत रहने की ज़रूरत है। यदि इस भारी क्लेश के समय चुने हुए जगत में ना होते तो उनके लिए क्लेश के दिन को कम करने की आवश्यकता ना होती। और बाइबल हमें कई एक उदाहरण देख पाते हैं कि प्रभु अपने लोगों को क्लेश के बीच में बचाता है, क्लेश के बाहर नहीं, क्लेश में ही होकर। नूह बाढ़ में नहीं बचाया गया, परंतु बाढ़ में बचाया गया। दानियल की कहानी को हम जानते हैं, वो विश्वास था, परमेश्वर का भक्त जन था, और राजा के हुक्म के अनुसार उस पर दोष लगाया गया कि यह राजा के हुक्म को ठीक तरह से नहीं मानता है और वो अपने परमेश्वर की उपासना करता है। रोज़ उसको खिड़की में देखते हैं कि वो रोज़ अपने समय के अनुसार वो 3 बार परमेश्वर की सामने घुटने टेक कर वो प्रार्थना करता है। और उसके कारण लोगों ने राजा के पास चुगली लगाई और उसको दानियल को सिंह के मन में डाल दिया गया, जिससे शेर जो है उसको फाड़ खाए और उसकी हत्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। दानियल अडिग रहा और उसको उस शेर के उस मन में, जहाँ शेर भूखे से रखे जाते थे, जहाँ मृत्यु दंड दिया जाता था, वहाँ दानियल को भी डाल दिया गया। दानियल चला गया। और भूखे शेर ऐसे होते थे कि जब भी किसी को अगर ऐसे उन्हें डाल दिया जाता था और भूखे शेर झपटा मार के उनको नोच के उसकी हड्डी शड्डी सब खत्म कर जाते थे, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। जब सृष्टिकर्ता उसके साथ है, जिस शेर को परमेश्वर ने सृष्टि की, उसका भक्त दानियल जब वहाँ पे डाल दिया गया, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, शेर शांत होकर बैठ गए और दानियल को
कोई भी हानि नहीं पहुंचाया। दानियल को सिंह के मन में मन से दूर नहीं किया गया, पर सिंहों के मांद के भीतर बचाया गया। उसी तरह से सतर्क मेषक अबेदनगो, उन्हें भी ये आज्ञा दी गई थी कि अगर तुम लोग ये राजा की आज्ञा के अनुसार इस बाजा गाजा जय आरंभ होती है, जैसे तुरिया बजती है, सहनियाँ बजती है, बैंड बजती है, तो तुम लोग झुक के इस मूर्ति को दंडवत करना। उन्होंने नहीं किया। सद्रक मेशक अबेदनगो, हम इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं, वो अडिग रहे। जब राजा के पास ये चुगली लगा दी गई कि ये तीन जन है जो इब्री लोग हैं, यहूदी लोग हैं, ये राजा के हुक्म को नहीं मान के ये उस मुर्दत की को दंडवत नहीं कर रहे हैं, तो राजा का गुस्सा भड़क उठा और उनको सामने बुलाया, क्या सच है कि तुमने दंडवत नहीं किया जिसको मैंने यहाँ पे खड़ा किया कि हर कोई जितने प्रजा के लोग जितने हैं उपस्थित हैं सबको उसकी दंडवत करें? तो बोला जी नहीं। हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा बोला कि तुम्हें पता है कि इस भट्टी में कि जो आग है उसमें डाल दिया जाएगा, आप हमें डाल भी दो लेकिन हम नहीं करेंगे। हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो हमारा सृष्टि करता है, वो हमें बचाएगा। अगर नहीं भी बचाएगा फिर भी हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। राजा गुस्सा हो गया और उस भट्टी की आग को 7 गुना तेज कर दिया, फिर भी वह अटिक रहे। मरने तक तो विश्वस्त रहा तो तू उधार पाएगा, और उनको पकड़ के उसमें डाल दिया गया। जो डालने वाले थे, वो बाइबल बताती है, वो डालने वाले थे वो वहीं पे झुलस के मर गए, जल गए, ख़त्म हो गए, और वो तीन जन आराम से उस आग के भट्टी के चारों ओर घूम रहे थे, और उनके साथ राजा देखता है तो कि चौथा व्यक्ति उनके साथ है जो परमेश्वर के बेटे के सदृश उसके उसको नज़र में पड़ी कि वो देखा कि परमेश्वर के सदृश परमेश्वर के बेटे के सदृश यीशु मसीह उनके साथ था। और बाइबल कहता है कि उसके सिर के बाल तक भी नहीं झुलसे और ना कोई गंध आया। तो सतर्क मेषक अबेदनगो को आग के भट्टे से बचाया नहीं गया, पर उन्हें आग के भट्टे में बचाया गया। इसी तरह से इसराइल के संतान मिस्र में विपत्ति पड़ने के पहले नहीं बचाए गए, परंतु परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया जब वे विपत्ति के अंदर ही थे। इसी तरह धर्मी लोग संसार में ही रहेंगे जब 7 अंतिम विपत्तियां पड़ेंगे, परंतु परमेश्वर उन विपत्ति में भी उन्हें सुरक्षित रखेगा। ये परमेश्वर का वचन हमें, जब हम उसके वचन को ध्यान करते हैं तब हमें वो शक्ति, वो सामर्थ, वो ताकत हमें मिलता है कि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन उसके हाथ में है। हम जब हम विश्वास रहेंगे तो हम जरूर बचाए जाएंगे। और अंत का समय ऐसा आने वाला है, ऐसी घटना होगी, फिर से इतिहास दोहरा जाएगा। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि इतिहास फिर से दोहरा जाएगा और वो घटना होगी, और अंत के समय में यही सब्बत दिन को लेके हमारे जीवन में परीक्षा आएगी और इसमें घटना होगी। और जब हम स्थिर रहेंगे इसी तरह से सतर्क मेषक अबेदनगो की तरह बचाए जाएंगे, दानियल की तरह बचाए जाएंगे, उस मिस्रियों की तरह बचाए जाएंगे, उस नूह की तरह उस विपत्ति में भी होकर हम बचाए करें और उस विश्वास बने रहें कि हम मजबूत रहें, स्थिर रहें
आने वाले संकट से हम बचे रहने सके। परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, मदद करें, ऐसी आत्मा दे। आइए हम सिरों को झुकाएं। स्वर्ग पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। हमारे मन, आत्मा, विश्वास और समझ के रखवाली कर। वचन के ज्ञान बुद्धि समझ में बढ़ाए ले चल, जिससे हम स्थिर रहें, मजबूत रहें तेरे प्रेम में, विश्वास में और उस सामर्थ्य में कि शैतान के हर उस हमलों का सामना कर सकें, सिर्फ केवल सिर्फ तेरे वचन के द्वारा ये संभव हो सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे वचन के लिए और इस आशीष के लिए, इस अनुग्रह के लिए हमें संभाले रखो कि हम अंत तक स्थिर पाए जाएँ और तेरे स्वर्ग राज में भागी हो सकें। मांगे हैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। रुकिदिना गण तपाईलाई आराधना, म रोकिदिना गण तपाईलाई आराधना, 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 आराधना यीशुलाई, आराधना, आराधना।